राजस्थान के जयपुर के सांगनेर इलाके में 13 वर्षीय से ही गलत वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आ रहा है। आरोपी है जो दो बच्चों के पहले से पिता हैं और वह 13 वर्षीय को बहला फुसलाकर कुंभा मार के एक होटल में ले गया है जहां पर घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी है तो वह उसे तुरंत निजी अस्पताल में ले गया जहाँ पर सड़क घटना की जानकारी देते हुए उसे भर्ती कराया गया और उसके बाद वहाँ से वह फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय ने इस घटना की जानकारी सभी डॉक्टरों को बताई और इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजनों को अस्पताल वालों ने जानकारी दी है और पुलिस मामला भी दर्ज कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए संजय खान को गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल में पूरे बातों की पुष्टि भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अब जैसे ही मेडिकल स्टाफ ने उसके फोन नंबर मांगे थे तो ही इस घटना के बाद परिजनों और पुलिस को इसकी घटना की जानकारी दी थी। सांगनेर थाना पुलिस ने बताया कि जिस होटल में इससे घटना को अंजाम दिया गया है उसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और होटल के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी भी किशोरी को होटल में रूम नहीं दे देने की गारंटी होती है, लेकिन फिर भी एंट्री क्यों की गई और आईडी भी नहीं ली गई है, जिसके बाद होटल पर भी एक्शन लिया जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।